हे गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मिड एक्सप्रेस में। आज हम बात करने वाले हैं अनुपमा सीरियल के 26 अप्रैल के 903 एपिसोड के अपडेट के बारे में। आज हमें देखने मिलता है पाखी अधिक को फोन कर रही है ताकि उसे वो पूछ सके कि अनुपमा और अनुज मिले या नहीं मिले। तब तक हमें वहां देखने मिलता है शाह हाउस में डिम्पी और समर आ जाते हैं और वो पाखी को बताते हैं कि अनुज और अनुपमा नहीं मिले हैं, जिस पर पाखी बरखा की गलती निकालती है कहते हुए कि बरखा आंटी ने ही कुछ किया होगा। तभी डिम्पी बरखा को डिफेंड करते हुए कहती है उनकी क्या गलती है जब अनुपमा और अनुज सर मिलना ही नहीं चाहते एक दूसरे से, तो बरखा आंटी की तो कोई गलती ही नहीं होती और वो क्या ही कर सकती है। वहाँ बहस शुरू हो जाती है। तभी हमें देखने मिलता है किंजल सभी पर चिल्लाती है और कहती है अब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच बोलूं पहली बार ऐसा लगा कि घर की बड़ी बहू सामने आ रही है। दूसरी ओर हमें देखने मिलता है बरखा माया को सारी बातें बता रही है जो कि ऑफिस में हुई थी और कहती है अब अनुज को अनुपमा को अलग करना ही होगा। मैंने अनुज को बहुत गिल्टी फील कराया है कि जिसके वजह से वो अनुपमा को फेस ही नहीं कर पाया और वो वहां से भाग गया। ये सारी बातें अंकुश सुन लेता है। तभी अंकुश बरखा पर ब्लेम करता है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, अपना फायदा क्यों देख रही हो और अपने देवर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, उसकी जिंदगी अलग करने में तोड़ने में क्यों लगी हुई हो। तभी बरखा कहती है ये सब बस कोइंसिडेंस है और अनुज मुंबई में रहे वो हमारे लिए भी अच्छा है और वो उसके लिए भी अच्छा है। तब तक वहाँ पाखी आ जाती है कपाड़िया हाउस में और कपाड़िया हाउस में आने के बाद पाखी कहती है और तब तक मैं हूँ ना मेक श्योर करने के लिए कि अनुज और अनुपमा आएंगे ही, मेरे अनुज आएंगे जरूर आएंगे और मैं आपको बताती हूँ अगर वो जिस दिन आ जाएंगे और मैं खुद आपके सारे सामान निकाल कर इस घर से फेंक दूंगी। तब तक अधिक उस पर चिल्ला देता है, पाखी कहती है चिल्लाओ मत। दूसरी ओर हमें देखने मिलता है वनराज इस न्यूज से बहुत ज्यादा ही खुश है। एपिसोड यहीं पूरी तरह खत्म हो जाता है दोस्तों। अंत में हमें वही देखने मिलता है जो कल के एपिसोड में हमें देखने मिला था, अनुपमा को किसी जरूरी पेपर्स की जरूरत पड़ती है जिसके लिए वो पाखी को फोन करती है। पाखी को फोन उठाने पर पाखी बताती है कि वो मुंबई में है और वो अनुज के सामने है। वही एपिसोड पूरी तरह खत्म हो जाता है दोस्तों। क्या लगता है दोस्तों क्या होगा आगे, क्या पाखी अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी या माया अनुज को अपना बना लेगी? देखना तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बने रहे हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस के साथ। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि इसी तरह हम आप लोग के लिए एपिसोड के अपडेट सबसे पहले सबसे तेज लाते रहे। इंडियन मीडिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।